शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दुनिया भर में रहने वाले ARY QTV देखने वाले नाजरीन की खिदमत में रईस अहमद की जानिब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 13 के साथ एक बार फिर हम कराची स्टूडियो से हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्टूडियो से रहमत सहर का आगाज़ होता है। सफदर अली मोहसिन साहब और उलमा हजरात सना खां हजरात बहुत अच्छे अंदाज में आगाज़ करते हैं रहमत सहर का, और उसके बाद जब हम कराची हाजिर होते हैं तो कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के शहर से आपका खैर मकदम करते हैं, और पूरी दुनिया में रहने वाले हमारे जो नाजरीन हैं उनका भी खैर मकदम करते हैं कि मरहबा या मुस्तफ़ा के पूल सी के राउंड्स जारी और सारी हैं। टीमें बहुत मुस्तैद हैं, टीमों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, चूँकि टीम पढ़ती जब है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ कि जब ऑडियंस मौजूद होते हैं, तो ऑडियंस के लिए भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजा नहीं आया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सलामत रहें, सलामत रहें। और हमारे साथ आप जानते हैं कि सनाखानी के एतबार से वो शख्सियात कि जिनकी दुनिया भर में बहुत ज्यादा कदर की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह हमें मयसर हैं, और आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है अलहाज सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सोहरावर्दी शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब तशरीफ़ रखते हैं, और इरशाद अंजुम कुरैशी साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तीन जजेस हैं, ये दो ट्रेनर हैं साथ में, और ये दो ट्रेनर ऐसे नहीं कि यहाँ सोफे लगे हैं और ये बैठे हैं बिला वजह, ये किसी वजह से बैठे हैं, और वजह यह है कि एक एक टीम इनके जिम्मे है, इनको ट्रेन करना, इनको इंस्ट्रक्शंस देना, इनकी तैयारी कराना, इनका इंतखाब, इंतखाब कलाम, फिर सिलेक्शन करना किसने कब क्या पढ़ना है। तो दानियाल शेख मौजूद हैं और हमारे मास्टर सुमेर मौजूद हैं, ये दोनों इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं बहुत अच्छा पढ़ने वाले, और दो टीमें, एक सक्खर की टीम है, एक लाहौर की टीम है। तो मैं अपने जजेस की इजाज़त से आगाज़ कर रहा हूँ पहले राउंड का। पहला राउंड आप जानते हैं कि नवाए हसन का होता है, जिसमें सोलो परफॉर्मेंस होती है, दोनों टीमें में से कोई एक यहाँ सनाखा आते हैं और बारगाह खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत नजर करते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले किसको बुलाएं, मोहम्मद साद लाहौर टीम के कप्तान आए और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहले से तैयार थे, माइक वाइक लिया हुआ था इन्होंने, और मैं समझ गया था इन्होंने देना किसी को नहीं है, माइक खुद आकर नात पढ़नी है। तो मोहम्मद साद आए और बारगाह खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत नजर करें। तजल्लियात का गुल मस्जिदे नबवी जमालियात का शाहकार मस्जिदे जल्लियात का गुलजार मस्जिदे नबवी वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गुनाहगार की सुनी जाए जहां
गुनाह गार की सुनी जाए। मेरे हुजूर का दरबार मस्जिदे नबवी, मेरे हुजूर का दरबार मस्जिदे जल्लियात का गुलजार मस्जिदे नबवी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां गुनाहगार की सुनी जाए हुजूर का वही दरबार है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। कुरान भी ये कह रहा है, हमारे बेशतर जो शोरा हैं और जो इल्म दीन रखते हैं उन्होंने कुरान करीम की मुतादिद आयात को अपने अशार में ढाला है। वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमु अन्फुसहुम जाऊक, कि जब तुम अपने नफ्स पर जुल्म कर लो तो मेरे हबीब की बारगाह में आ जाओ, वो तुम्हारे लिए दुआए मगफरत फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। तो ये मजमून जो है बहुत से हम देखते हैं नादगो शोरा ने मुख्तलिफ आयात को जो है शेरी कालिब में ढाला और उसको पेश किया, तो ये एक बहुत हमारे लिए भी एक हौसला अफजा चीज़ होती है कि वो जो कुरान के मजामीन हैं वो नातों में भी मिल जाते हैं जो सरकार अलैहिस्सलाम की सना तौसीफ के हवाले से है। लाहौर टीम के जो कप्तान हैं मोहम्मद साद, आपने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। और अगले जो कंटेस्टेंट हैं इस टीम से, कप्तान साहब ने माइक संभाला हुआ है, और सखर टीम के कप्तान है मोहम्मद बुरहान। आप ही खुद आएंगे या आप अपनी टीम से किसी को नॉमिनेट करेंगे? अहमद रज़ा हुसैनी तशरीफ लाएँ। और बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत नज़र करने की सआदत हासिल करें। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता जमजमाए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा तो का कोई नहीं,
तेरे बंदे तेरे खुदा सुभान अल्लाह। क्या बात है। हज़रत अहमद नदीम कासमी का कलाम पेश कर रहे थे हमारे अहमद रज़ा हुसैनी। मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, अर्ज़ तेरी, समा तेरे, बंदे तेरे, खुदा तेरा। ऐ मेरे शाह शर्क़ व गर्ब, नाने जमी ग़िज़ा तेरी। ऐ मेरे बोरिया नशीं, सारा जहां गदा तेरा। ऐ मेरे बोरिया नशीं, सारा जहां गदा तेरा। नवाए हसान मुकम्मल हुआ। दोनों टीमों ने अपने अपने तौर पर अपनी अकीदत नजर की। जजेस बैठे हैं, ज्यूरी फैसला मुरतब कर रही है। अभी एक मरहला हुआ है, दूसरा मरहला है हमारा संग संग नात रंग का। देखते हैं ये किस तरह के नात के रंगों को बिखेरते हैं और पूरी दुनिया में रहने वाले नाजरीन को की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करते हैं। लेकिन एक वक्फा है, वक्फे के बाद लौटेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, मरहला है संग संग नात रंग का, जिसमें पूरी टीम आती है अपने कैप्टन के साथ और दाएं बाएं खड़े उनके जो साथी सनाखा हैं वो भी उनका भरपूर साथ देते हैं। कोशिश की जाती है कि उस तर्ज का इंतखाब किया जाए कि जिससे मुंसलिक दूसरी तर्ज को भी साथ शामिल किया जाए और एक खूबसूरत नात का गुलदस्ता बनाकर पेश किया जाए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। ये मुकाबले और ये मुसाबकत का एक सिलसिला, ये तो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए है, लेकिन असल जो इसका मकसद गर्ज और गायत यह है कि इन मुबारक साहतों में माह रमज़ानुल मुबारक की तहज्जुद के इन औकात में दुरूद पढ़ने वाली इन सातों में हुजूर का जिक्र होता रहे, हुजूर के अहले बैत अथहार अलैहिस्सलाम का जिक्र होता रहे, हुजूर के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का जिक्र होता रहे। तो आइए आगाज कर रहे हैं उस सेगमेंट का जो बहुत ज्यादा आप भी पसंद करते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है, यानी कि संग संग नात रंग में। पहले मैं हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहर लाहौर की टीम से गुजारिश करूंगा कि आएं और भरपूर अंदाज में अपनी अकीदतें पेश करने की सादत हासिल करें। मोहम्मद साद अपनी टीम के साथ संग संग नात रंग में। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजर जो आखिर में आमना का बोला लाया, कमाल आया। करे दिल रोबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। सब रसूले खुदा हबीबे खुदा बन के आया, मगर जो आखिर में आमना का भोला लाया, कमाल आया। तू शाह खूबा
तू जाने जाना तू शाहे हुबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बरस की है ना बरस के सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, कौसर भी नी की है जन्नत भी नी की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी नी की है। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, समंदर में उतर जाने दे, मौत पर मेरे शहीदों को बिरश का रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को रश्क आएगा, अपने कदमों से लिपट कर मर जाने दे, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। मदीना 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 मदीना, मदीने के हसीन शामो सहर की बात करते हैं, मदीने के सनाखा यही कर रहे थे, मदीने के हसीन शामो सहर की बात करते हैं, बअल्फाज़े दिगर खुल्दे नजर की बात करते हैं, सितारों की न हम हुस्ने कमर की बात करते हैं, जमाले सैयद खैरुल बशर की बात करते हैं। बहुत अच्छे अंदाज़े माशाल्लाह, संग संग नात रंग में जो रंग इन्होंने माशाल्लाह पेश किया है नात का, बहुत खूबसूरत एक गुलदस्ता बारगाह ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाहौर की टीम ने अपनी पूरी कोशिश की और बेहतरीन मुकाबले का एक
की एक फजा कायम कर दी है। अब इस फजा को किस तरह कायम रखते हैं या इससे आगे मजीद बेहतर तरीके से हमारी सखर की टीम पेश करेगी संग संग नात रंग में अपनी अकीदतें। मोहम्मद बुरहान अपनी टीम के साथ आए और बारगाह खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत नजर करें। रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का शबे गुम मुस्तफा को देखा। जब क्या आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पा बुलाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या के चो झुकाई होगी उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी उसकी किस्से पे फिदा सारी खुदाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। चौखट पे ये जमीन रुकी हुई थी
जमीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। चल जब चले जब मेरे मोहम्मद तो जहाँ ने चलना सीखा। चले जब मेरे मोहम्मद मोहम्मद चले जब मेरे मोहम्मद सखर की टीम ने अपने तौर पर खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया और जिन्होंने मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन वन से लेकर आज तक सीजन देखे हैं उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि मेडलेयर जो राउंड था वो इसी अंदाज में किया जाता रहा है कि किसी एक तर्ज का इंतखाब किया जाता है और उसी तर्ज में रहते हुए तीनों सनाखां जो है अपनी अपनी आवाज़ों में अंतरे कहकर इस बात का सबूत देते हैं कि हमारी ये आवाज़ है, ये अंदाज है और ये अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है। तो आज उसी अंदाज को पेश किया गया है और ये भी बावर कराया गया कि ये ही हमारा एक अंदाज रहा है। और दूसरा अंदाज ये है कि सब मिलकर पढ़ते हैं, एक शख्स अंतरा बोलता है और बाकी स्थाई में शामिल हो जाते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो हम पॉइंट्स भी बताएंगे, विनर का भी नाम बताएंगे और आपसे राय भी लेंगे, हमारे ज्यूरी से भी राय लेंगे, ऑडियंस से भी राय लेंगे, क्या कहते हैं, किस अंदाज में सुन रहे हैं। और बड़ी बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ हमारी जो ऑडियंस भी सुन रही है, ज्यूरी भी सुन रही है, एक वक्फा है, वक्फे के बाद लौटेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 13 में जो बैकग्राउंड पर आप आवाज़ सुन रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ जो है अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब की नज़र आ रही है और बेशतर टाइटल्स में आप इन्हीं की आवाज़ सुनते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं माशाल्लाह। और तमाम मुकाबलों में बैठे हैं यहाँ पर और सारा ऑब्जर्व कर रहे हैं किस तरह हो रहा है, डायरेक्शन देते रहते हैं माशाल्लाह। तो बहरहाल आज जो मुकाबले दोनों हुए यानी कि नवाए हसन और संग संग नात रंग दोनों आपकी खिदमत में पेश किए गए, आपकी क्या हुजूर की बारगाह में पेश किए गए, आपने उसे मुलाहजा किया। और इससे पहले कि मैं ज्यूरी की जानिब जाऊँ, ऑडियंस बैठी है भाई, ऑडियंस बैठी है ना, ये बताएं कि हमारी जो सखर की टीम है उसके लिए ज़रा हाथ बुलंद करें कि कितने लोग इनके हक में है कि आज इन्होंने मैदान मार लिया है। अच्छा, आपके बंदे कम आए, अच्छा जी। और जिनका ख्याल है लाहौर की टीम आज विन कर रही है, ठीक है जनाब, आपने अपनी राय, हमें आपकी राय का एहतराम है और आपकी राय का बहुत ज्यादा एहतराम है क्योंकि आप लोग जो हैं वो वोट दे रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं इन तमाम कंटेस्टेंट को और सुन रहे हैं बगौर, इनको मार्क कर रहे हैं आपकी किसको कितना पसंद कर रहे हैं। बहरहाल इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी माशाल्लाह, आप सोशल मीडिया पर भी इन मुकाबलों को देख रहे हैं, वो भी भरपूर अंदाज में वहाँ से आपका फीडबैक आ रहा है। हम चलते हैं इरशाद अंजुम कुरैशी साहब की जानिब, क्या कहिएगा इरशाद भाई, आज दोनों टीमों ने आपके सामने जो अपने अपने अंदाज पेश किए। रईस भाई, मरहबा या मुस्तफ़ा में पहुँचना और यहाँ तक बैठ के पढ़ना बहुत बड़े सआदत की बात है और ख़ास तौर पर रमज़ानमबारक में इस वक्त में पढ़ना और भी बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक मुकाबले की बात है, सोलो परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो सखर ने बहुत अच्छा पढ़ा है, आई अप्रिशिएट, और जहाँ इन्होंने कोशिश अच्छी की है लेकिन एक दो जगह पे अल्फाज की अदायगी में, तलफ़ में थोड़ी सी कमी महसूस हुई। दूसरा मेडले में तो लाहौर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सखर में मुझे मेडले का कोई तासर नज़र नहीं आया। ठीक, अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब हमारे काबिल एहतराम और माशाल्लाह क्या शख्सियत जी, बिस्मिल्लाह क्या कहिए। माशाल्लाह दोनों टीमों ने भरपूर कोशिश की है लेकिन ये आज मैंने पहली बार देखा है कि ये दूसरा जो संग संग नातरंग जो है उस पर उन्होंने कोर्स नहीं बनाया जी, ये भी एक अंदाज रहा है मेडले का, तो ये है इसमें, बिल्कुल इसमें है, इसमें है हमारे सीजन जो दीगर सीजन हुआ है शुरू से
अब तक, बल्कि ज़बीह मसूद शाह साहब की जो टीम जीती थी वो ऐसे ही मेडले में जीती थी। बस ठीक है फिर तो, ये बिल्कुल मतलब ये दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है, सुबह मुझे अंदाज़। अच्छा शाह साहब एक आवाज अंदाज माशाल्लाह पूरी दुनिया में मकबूल, क्या कहिएगा शाह साहब? देखिए ये सखर की जो टीम थी ना, इसमें जो इनफरादी यानी सोलो परफॉर्मेंस जो थी वो अहमद रजा की थी। अहमद रजा जो थे अंतरे में एक जगह बेसुरे हुए, लेकिन मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने सुर पकड़ लिया, लेकिन वो बेसुरे हुए थे। अच्छा फिर मेडले में जो इन्होंने, अगर चली वो इनफरादी तौर पे भी परफॉर्मेंस देनी थी तो वो अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा ज़्यादा डेढ़ मिनट, बल्कि डेढ़ मिनट में ज़्यादा कर रहा हूँ, एक मिनट में ख़त्म करते और सीधा फिर कोरस शुरू करते। तो इस एतबार से मैंने ये सखर की टीम के बारे में अपने बहुत जबरदस्त तासुरात बयान किए। अच्छा अब ये जो यहाँ पे हैं साद मुनिम साहब, इन्होंने बहुत अच्छा कलाम का इंतखाब किया मस्जिद नबवी के हवाले से, लेकिन गुलजार रेव बिल्कुल वाजे नहीं था, शाहकार रेव वाजे बिल्कुल नहीं था, पुकार रेव वाजे बिल्कुल नहीं था, जबकि उसको वाजे करना चाहिए था। और इब्तदाई मेडले में ये बिल्कुल एक दूसरे से हम आहंग नहीं थे और बाद में इन्होंने इसको पकड़ लिया, बस ये है। वाह वाह क्या अच्छी बात, ये होती है तवज्जो, ये होती है बिल्कुल कंसिस्टेंसी कि किस तवज्जो के साथ और किस नमाक के साथ हमारी ज्यूरी सुन रही है। और शाह साहब ने और अला सिद्दीक इस्माइल साहब ने, इरशाद नजम कुरैशी साहब ने जिस अंदाज में इन तीनों हमारे कंटेस्टेंट को यानी सखर और लाहौर वालों को सुना, बहुत तवज्जो से सुना और अपनी राय भी दी। और मुकाबला मैं नतीजा आप तक पहुँचाने से पहले बता दूँ कि बहुत करीब रहा मुकाबला, बहुत ज़्यादा करीब रहा, कहीं आधे नंबर से एक टीम आगे जा रही है तो कहीं एक नंबर से एक टीम आगे जा रही है। तो इस तौर पर जब ये कंपाइल हुआ है तो फैसला मेरे पास आ गया है जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और आखिर में इंशाल्लाह अलहाज सैयद महमूद फसीदीन सुरवदी शाह साहब अपना कलाम भी पेश करेंगे। उससे पहले कि मैं नतीजा बयान आपकी खिदमत में पेश करूँ, मैं इनको दोनों को जी एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मुस्तकबिल के बहुत अच्छे नातख्वा हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे सना, बहुत मुबारक आप लोगों को कि ये आपके लिए दुआ भी है, खुशखबरी भी है और मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन भी है। बहरहाल आज आप हमारे शर्का के साथ जो गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे उसमें नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का, इनका कहना यह है, और इनके साथ जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, इनके गिफ्ट हैम्पर्स भी जाएंगे। और मैं आ रहा हूँ नतीजे की जानिब, दिल की धड़कनें तेज हो रही होंगी, हार्ट बीट का जरा इस वक्त जाहिर है आप लोग मद्द मुकाबिल हैं। तो जनाब आज की टीम जो विन कर रही है उसका नाम है, लाहौर की टीम ने विन कर लिया आज, लाहौर की टीम ने विन कर लिया है आज। लाहौर की टीम के कप्तान मोहम्मद साद और उनकी टीम को मुबारकबाद, लेकिन यहां तक पहुंचने पर आपको भी बहुत मुबारकबाद कि इस मंच तक आना, इस मरहले तक आना भी अभी है इंशाल्लाह इनके लिए कि मजीद राउंड्स में आएंगे ये और अपने आप को बेहतर करके आएंगे, कम बैक करेंगे दोबारा। यही मुकाबले का हुस्न है कि इसमें आते रहेंगे, हमारे जो सनाखा हैं अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते रहेंगे। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने से पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शाह साहब आपकी तशरीफ आवरी का, अला सिद्दीक इस्माइल साहब, इरशाद उन्जुम कुरैशी साहब। और इस सेगमेंट के बाद जो सेगमेंट है वो है दहन में जुबान तुम्हारे लिए, डॉक्टर सैयद इमरान वदूद जो है वो इंशाल्लाह उसको होस्ट करेंगे, और उसके बाद जो है हम बढ़ेंगे इल्म और उलमा की महफिल में जिसमें उलमा हजरात भी होंगे, सनाखा भी होंगे। अलहाज सैयद मोहम्मद फसीदीन सुरवदी शाह साहब। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मुहम्मद का दीवाना बना जाना, जो कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना, उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना, दीदारे नबी
कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, जिस चेहरे को तकती थी उस चेहरे अनवर का दीदार करा जाना, उस चेहरे अनवर का दीदार करा जाना। बुलाते हैं तुम नात सुना जाना, मुझको भी मुहम्मद का दीवाना बना जाना।